नमस्कार दोस्तों दोस्तों IOCL का जो हमारा वैकेंसी है ये आ चुकी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये दो फेज होगा। पहला जो है वो होता है हमारा रिटन टेस्ट, और अगला जो है वो हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है। दोस्तों जो रिटन टेस्ट है इससे 85 मार्क्स कवर किए जाएंगे, और जो पर्सनल इंटरव्यू है इससे 15 मार्क्स कवर किए जाएंगे। और ये जो फॉर्म भरने का दोस्तों डेट है, ये दोस्तों स्टार्ट होता है 13 जनवरी से, और 27 जनवरी तक इसे आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अकाउंटेंट के लिए अलग है और टेक्नीशियन के लिए अलग है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ अकाउंटेंट के लिए, तो क्वेश्चन टाइप दोस्तों MCQ होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 100 होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का, जिसमें सब्जेक्ट होंगे जेनरिक एप्टीट्यूड है, रीजनिंग स्किल है, बेसिक इंग्लिश स्किल है। आगे मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा जो अगला सेक्शन है वो है टेक्नीशियन का। इसमें जो क्वेश्चंस ऑफ टाइप होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, टोटल मार्क्स एलोटेड होंगे वो 100 होंगे, नेगेटिव मार्क्स मार्किंग नहीं होगा। ड्यूरेशन इसमें भी 90 मिनट का दिया जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो है टेक्निकल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जर्नलिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग स्किल, बेसिक इंग्लिश स्किल। तो ये सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ने हैं टेक्नीशियन के लिए। आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारा जो टेक्निकल का सेक्शन है इसमें दोस्तों तीन और सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूँगा कि जो पहला है इलेक्ट्रिकल डोमेन का है, मैकेनिकल डोमेन है, इंस्ट्रूमेंटल डोमेन है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल डोमेन है इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। इसमें टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जैसे कि हो गया एनालिसिस ऑफ नेटवर्क एंड सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, पावर सिस्टम प्रोडक्शन डिवाइस हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन, स्विच गियर, मशीन्स हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस। ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं इलेक्ट्रिकल डोमेन कॉन्सेप्ट के अंदर। बाकी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा मैकेनिकल डोमेन कॉन्सेप्ट है इसमें क्या पढ़ने हैं। इसमें आपको पढ़ने हैं जैसे हो गया आपका थर्मोडाइनमिक्स हो गया, फ्लूड मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल स्ट्रेंथ हो गया, हीट ट्रांसफ़र है, एयर कंडीशनल एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिज्म है, इंजीनियरिंग टूल्स है। तो यह कुछ टॉपिक्स है जो आपको इसमें पढ़ने हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, स्टीम जनरेटर है, मशीन डिज़ाइन है, ये कुछ है जो कि आपको पढ़ने हैं। दोस्तों ये जो मैंने अभी बताया आपको ये आपको पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल डोमेन है इसमें आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे कि एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिग्नल एंड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, कंट्रोल सिस्टम, बेसिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ऑप्टिकल एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटल है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटल है। आगे बात करूँ तो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटल है। तो ये कुछ आपको टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं इंस्ट्रूमेंटल डोमेन कॉन्सेप्ट के अंदर। दोस्तों ये तो होगी, उसकी पूरी बात हो चुकी है। अब मैं आपको अब बता रहा हूँ कि हमारे जो जेनरिक एप्टीट्यूड है इसमें आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं। जेनरिक एप्टीट्यूड में कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि एज कैलकुलेशन, परसेंटेज एंड रेशियो, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। दोस्तों आपसे मैं अब बात करूँगा कि हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन है इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं। रीजनिंग में आपको पढ़ने हैं नंबर सीरीज, रिलेशन, सॉर्टिंग अरेंजमेंट, फिगर क्लासिफिकेशन, सिलोलिज्म हो गया, डायरेक्शन हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेंस हो गया। और अब मैं आपसे बात करूँगा कि हमारा जो इंग्लिश है उसमें आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं। दोस्तों जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है इसमें नॉर्मल जो आप इंग्लिश का पढ़ते हैं जो कि हर जो जनरल कॉम्पिटिशन में जो एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग इंग्लिश का सेक्शन सब में सेम ही होता है, जैसे कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, आर्टिकल्स है, सेंटेंस करेक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आगे हो गया आइटम्स एंड फेज है, सेंटेंस कंप्लीशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, टेंस है, जंबल सेंटेंसेस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ATC। दोस्तों ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है सिलेबस के बारे में कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मुझे उम्मीद है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।